हेलो फ्रेंड्स, सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में मैं विवेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। हम इंडक्टेंस टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में, उसी को हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको इंडक्टर के बारे में समझाया था, है ना, कि इंडक्टर क्या होता है, कैसे उसकी डेफिनेशन हो सकती है ना, वेरिएबल करंट देना क्यों जरूरी है, जब वेरिएबल करंट देंगे या वेरिएबल सप्लाई देंगे तभी वो एक इंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा, अदरवाइज वो एक छड़ चुंबक बन जाएगा, जैसा कि मैंने डीसी सप्लाई लेकर आपको बताया था, है ना। अब यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे हम, ये है ना आपकी एसी सप्लाई है ना, ये स्विच है आपका, करंट है, ये यहाँ पे मैग्नेट है ना, प्रकार से मैग्नेटिज होगा, यहाँ पे पाई होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे ही हमने इसका स्विच ऑन कर किया, ठीक है, मान लेते हैं जैसे हमने इसका स्विच ऑन किया तो एक ग्राफ की मदद से हम समझेंगे, सी हो गया टाइम, ये हो गया करंट। मान लीजिए हमने स्विच ऑन किया, तो स्विच जैसे ही ऑन किया तो अब करंट जैसे पहले जीरो पे रही होगी ना, पहले किस पे रही होगी करंट, जीरो पे रही होगी, और मान लेते हैं कि दो माइक्रो सेकेंड में यहाँ से 2 एम्पियर करंट फ्लो हुई। ठीक है, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर। देखिए जैसे यहाँ पे मैं समझ लेते हैं, जैसे ये जीरो हो जाएगा, है ना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 माइक्रो सेकेंड का टाइम हो रहा है, ठीक है, और ये है आपका 2 एम्पियर। ठीक, अब देखिए क्या होगा, तो अगर ऐसे हम तो ये जो आपका ग्राफ बनेगा कुछ प्रकार से बनेगा, ये मतलब यहाँ पे आपका ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल लीनियर बन रहा है, यहाँ पे होगा 2 एम्पियर और 2 माइक्रो सेकेंड। तो ये जो 2 एम्पियर, मतलब पहले तो जीरो पे थी ना करंट, जीरो से कहाँ पे पहुंचे, 2 एम्पियर पर, और कितने टाइम पे, 2 माइक्रो सेकेंड पर। मतलब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो ये 0 से 2 एम्पियर तक का है ये क्या है, DI मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, मतलब यहाँ पे करंट का क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और जैसे ये टाइम है 0 से 2 माइक्रो सेकंड, ये क्या हो रहा है, DT। अब यहाँ पे DI/DT हो रहा है, मतलब DI भी हो रहा है और DT भी हो रहा है, और हमने फैराडे के नियम में क्या पढ़ा था कि जब तक DI/DT होगा तब तक वहां पे EMF जनरेट होगा, ये चीज हमने पढ़ी है, हमने फैराडे के दो नियम पढ़े हैं, है ना। एक क्या है, स्टैटिकली EMF का जो पढ़ा है हमने, स्थितिजन्य विद्युत वाहक बल का, उसमें क्या होता है कि जैसे ये उसी के अंतर्गत आता है, इसमें क्या होता है कि कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता, मतलब कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता, एक क्वाइल होती है या इंडक्टर बोल सकते हैं, उसमें हम वेरिएबल करंट देते हैं और उसमें क्या होता है, फ्लक्स का चेंज होता है, मतलब ये जो इंडक्टर है, ये जो चालक है, यहाँ पे कंटिन्यू फ्लक्स परिवर्तन होता है, क्योंकि करंट परिवर्तन होता है, क्योंकि करंट एसी है और कंटिन्यू परिवर्तित होती रहेगी, तो कंटिन्यू करंट का परिवर्तन होने के कारण कंटिन्यू यहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स का परिवर्तन होता है, और फ्लक्स का परिवर्तन होने के कारण यहाँ पे चालक क्या होते हैं, उस फ्लक्स को काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, जिसके कारण इसमें EMF जनरेट हो जाता है। मैंने आपको बताया था EMF कैसे जनरेट होता है, ये मैं बताऊंगा, तो ये फैराडे ने बताया है। ठीक है, फैराडे ने अपने प्रथम नियम में, यानी जो स्टैटिकली EMF के लिए उन्होंने नियम दिया है, वो यही दिया है कि जब भी किसी इंडक्टर या कॉइल से एसी सप्लाई या वेरिएबल करंट परिवर्तित धारा जैसे ही फ्लो होगी, वहां पे क्या होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, मतलब रेट ऑफ फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो कंडक्टर होंगे उनका छेदन होगा, और जिसके कारण उसके दोनों सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पादित हो जाएगा, यानी एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा डायनेमो के लिए, इसके अंतर्गत दो आते हैं, ठीक है, वो अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा डायनेमो के लिए है कि मतलब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाहक चालक पदार्थ को कुछ यूं प्रकार से घुमाया जाए कि उसके द्वारा फ्लक्स का छेदन हो, तो उस चालक में EMF जनरेट हो जाता है। ये आपका जनरेटर के लिए है ना, जनरेटर या अल्टरनेटर, वहां से जहां से हमें EMF मिलता है वहां पे हम ये तो करते हैं, उसको घुमाते हैं और पोल बना देते हैं, पोल के बीच में चालक घूमता है
और उसके दोनों सिरों पर ईएमएफ हम ले लेते हैं। लेकिन ये तो स्टैटिकली है, मतलब ये स्थित है, घूमने वाला पार्ट तो इसमें है नहीं। इस प्रकार से इसमें क्या होगा कि वेरिएबल करंट देनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी कैसे यहाँ पे डीआई हो रहा है, कैसे डीटी हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जो इंडक्टेंस है हमारा, इंडक्टेंस ये दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और एक होता है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ को क्या कहते हैं, स्वप्रेरका, और इसको इसको सहप्रेरकत्व भी कहते हैं और अन्योन प्रेरकत्व भी कहते हैं, ठीक है, सहप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व, ठीक है। सहप्रेरकत्व मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें दो कॉइल्स होती हैं, दोनों पास में रखी होती हैं और इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि एक कॉइल में सप्लाई देते हैं और दूसरी कॉइल में आपको ईएमएफ अपने आप मिल जाता है, ठीक है। ये चीज भी आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा एक कॉइल में होता है, ठीक है, दो कॉइल में नहीं होता, मतलब उसी में ईएमएफ बनेगा, उसी में हम सप्लाई देंगे और उसी में ईएमएफ बन जाएगा, वो स्वप्रेरकत्व कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे स्वप्रेरकत्व का ही डायग्राम बना हुआ है, अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे करंट परिवर्तित होगा वैसे वैसे फ्लक्स भी परिवर्तित होगा, क्योंकि करंट की वजह से, सप्लाई की वजह से ही फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेट बन रहा है ना। तो जो हमारा फाई होगा वो किसके समानुपाती होगा, आई के, ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा फाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्यों, जैसे जैसे करंट चेंज होगी वैसे वैसे फ्लक्स भी हमारा चेंज होगा, अगर ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, ये घटेगी तो ये घटेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक लूप का हम फ्लक्स फाई मान लें, एक लूप का हम फ्लक्स फाई मान लेते हैं, यहाँ पे तो कई टर्म है, कई लूप है, तो कितने टर्म है, एन टर्म है ना, कितने टर्म है, एन टर्म, तो यहाँ पे हम एन फाई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये हो गया एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल के साइन हटेगा, जो समानुपात का साइन या अनुक्रमानुपात जो भी आप बोलना चाहें, इसका साइन जो है ये हटेगा, तो ये क्या है, यही इंडक्टेंस है। देखिए जैसे ये हटा तो ये हो जाएगा एन फाई बराबर एल आई, ठीक है। अब यहां से अगर हम इंडक्टेंस निकाल लें, सेल्फ इंडक्टेंस निकालें, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, अगर सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा एन फाई अपॉन आई। आपकी बुक में ये चीज डायरेक्ट दी हुई है, ये सॉल्व भी नहीं दिया हुआ है और यहीं तक दिया हुआ है, ठीक है। इसकी इकाई हेनरी होती है, ठीक है, प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है, यहीं तक दिया है, लेकिन मैं इसके आगे भी सॉल्व कर रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हम ये फ्लक्स फाई क्या है, फ्लक्स है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें पता है कि सॉरी फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, ठीक है, फ्लक्स घनत्व की इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, इसकी इकाई केवल वेबर होती है। तो बी अपॉन बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए होता है, फाई की यूनिट वेबर और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इस तरह इसकी इकाई होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसकी इकाई सिर्फ वेबर होती है, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो बी ए हो जाएगा, फाई की वैल्यू अगर हम निकालें तो बी इंटू ए हो जाएगा, यहाँ पे हम फाई की वैल्यू रख देते हैं, एल इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए अपॉन आई, ये आ गया समझ में। अब देखिए हमने चुंबकशीलता पढ़ा है, चुंबकशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से, ठीक है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, बी अपॉन एच होता है, ठीक है, बी अपॉन एच होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच। अब अगर हम यहां से बी की वैल्यू निकालें, अगर हम बी की वैल्यू निकालें तो म्यू इंटू एच हो जाएगा। म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है वो म्यू ही बताता है ना। जैसे चुंबकशीलता की जगह चालकता होती है ना, चालकता को किससे करते हैं, सिग्मा से, इससे, ठीक है। एक फॉर्मूला भी होता है, आर इज इक्वल टू एल अपॉन सिग्मा ए, है ना, ये फॉर्मूला होता है।
तो जो हमारा विद्युतीय परिपथ है उसमें हम चालकता को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और जो चुंबकीय परिपथ है उसमें चुंबकशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। मतलब म्यू और सिग्मा ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में है और ये मैग्नेटिक सर्किट में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बी की वैल्यू म्यू एच है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे बी की जगह, है ना। थोड़ा सा हमारा पढ़ नहीं चल रहा था, यहाँ पे हम रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर हम सॉल्व करते हैं, बी की जगह म्यू एच हो जाएगा, तो एन म्यू एच अपॉन ए अपॉन आई ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एच की वैल्यू भी रख सकते हैं, एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना। एच क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी है। एच इज इक्वल टू क्या होता है, एच बराबर होता है एन आई अपॉन एल, एन आई अपॉन एल, है ना, यही होता है। एम्पियर टर्न पर मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक। सारी चीजों की यूनिट याद रखो, और ये जहां जो भी स्टेप है, जैसे ये एक स्टेप हो गया, एक स्टेप ये हो गया, ये सब अपने आप में एक फॉर्मूला है। जैसे आपको दे दिया जाए टर्न, दे दिया जाए चुंबकीय घनत्व, दे दिया जाए एरिया, दे दिया जाए और करंट बता दी जाए, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको टर्न दे दिया जाए, फ्लक्स की वैल्यू दे दी जाए, करंट, तो आप इस वैल्यू से इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीजें दे दी जाए तो आप इस वैल्यू से इंडक्टेंस निकाल सकते हैं। मतलब ये हर स्टेप में एक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन इसको अपन लास्ट तक सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे एच की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। एन म्यू एच की जगह एन आई हो जाएगा, एन आई ए हो जाएगा अपॉन एल हो जाएगा, और ये आई भी है पहले से ही, तो ये आई हो जाएगा। तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन और एन का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एल एल, और ये म्यू और ए है, जो म्यू ए इसको हम नीचे लाएंगे, इसको हम क्या करेंगे नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे म्यू ए। ये कैसे हुआ समझ में आया ना। मान लीजिए लिखा होता है 3 अपॉन 5 अपॉन 2, ऐसे लिखा होता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 अपॉन 5 इस तरह से लिख सकते हैं ना। मतलब ये जो 2 है ये कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अगर ऊपर पहुंच गया तो नीचे भी आ सकता है ना उसी पोजीशन पे, तो ये ऊपर था, इसको हमने कहाँ ला लिया, नीचे। देखिए थर्ड पोजीशन में है ना, जैसे ये 2 वैसे ये न्यू, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है रिलक्टेंस की। जिस प्रकार से आपका इलेक्ट्रिकली परिपथ में रेजिस्टेंस होता है ना, ये आर, उसी प्रकार से चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस होता है। रिलक्टेंस को हम दो वैल्यू से दर्शाते हैं, एक होता है आरएम या फिर एस, ये दोनों ही रिलक्टेंस शो करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है एल अपॉन म्यू ए। अगर इन फॉर्मूलों की तुलना करें इन दोनों, तो हमें समझ में आ रहा है कि जैसे उसमें सिग्मा होता है वैसे इसमें म्यू होता है, होता है। तो देखिए इस वैल्यू की जगह हम एस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो लास्ट में जो फाइनल फॉर्मूला आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, एल बराबर एन स्क्वायर अपॉन, ये आ गया फॉर्मूला। अभी इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और कॉम्पिटिशन के हिसाब से इतना ही सही है। जैसे देखिए यहां पे अगर आपको पूछ लेता कि अगर हम टर्न दो गुना करें, अगर हम टर्न दो गुना करें तो इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहां से आपको समझ में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स भी है और करंट भी है। और अगर आप बोलते भी इनको मान लीजिए कॉन्स्टेंट मान लेते, तो एन अगर टर्न दो गुना होता तो करंट कितना होता, तो आप दो गुना ही बताते ना, क्योंकि इसमें 2/2 होगा तो ये भी दो गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि n अगर दो गुना होगा तो इंडक्टेंस 4 गुना यानी वर्ग के गुना हो जाएगा, है ना। अगर ये 3 गुना होगा तो 9 गुना हो जाएगा, अगर ये 4 गुना होगा तो 16 गुना, मतलब जितना उसका वर्ग होता है उतने गुना प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। पूरा डेरिवेशन मैंने बताया, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रेरकत्व की इकाई बताइए, है ना, तो वो हेनरी होती है। दूसरी चीज आपको जो फैराडे का नियम है वो याद रखना है, इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। यहां से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, यहां से आपको दे दिया जाएगा डी आई, दे दिया जाएगा और डी टी। मान लीजिए इतनी एम्पियर की करंट कितने समय तक
किसी प्रेरकत्व से गुजरती है और वो कितना ईएमएफ इंड्यूस करती है, तो उसका प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये आपको फाइंड करना पड़ेगा, ये मैंने निकालना भी बताया था, यहां से हो जाएगा जैसे डीटी अपॉन डीआई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक और चीज, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें माइनस साइन नहीं लगेगा, है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको बोल दिया कि ये जो इंडक्टेंस की वैल्यू है ये 2 है, ठीक है, और डी आई आपका 4 है, ठीक है, और डी टी 1, ये मैंने आपको बोल दिया। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 4 / 1 यानी 8 आएगा। तो अगर फॉर्मूले में माइनस लग रहा है तो आप इसमें माइनस कर दो, नहीं माइनस नहीं आएगा, ये आंसर जो आएगा ये केवल 8 वोल्ट ही आएगा, तो ईएमएफ आएगा आपका 8 वोल्ट ही आएगा, माइनस साइन न्यूमेरिकल्स में नहीं लगेगा, ठीक है। वो क्या शो कर रहा है, वो सिर्फ विरोध शो कर रहा है कि जो बैक ईएमएफ है उसकी दिशा उल्टी है ना, दिए गए ईएमएफ से जो बैक ईएमएफ है उसकी दिशा क्या है, उल्टी है, ठीक है। ये यहाँ पे जो जनरेट हुआ ईएमएफ इसको हम बैक ईएमएफ बोलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और भी इंडक्टेंस से रिलेटेड चीजें आप हम पढ़ेंगे, ठीक है। और भी अगर किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है या ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक। थैंक यू।